लखनपुर थाना क्षेत्र के उज्जौल गांव निवासी निगम कर्मी अनिल सिंह, उनके चचेरे भाई मनीष कुमार सिंह और बॉडीगार्ड मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में मृतक अनिल सिंह का चालक कुंदन सिंह बच गया था। चालक कुंदन सिंह को हत्या के साजिश में शामिल होने की पुष्टि होते ही गिरफ्तार किया गया। फिर पुलिस ने पूछताछ के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि दो आरोपियों ने समस्तीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन घटना के दो महीने बाद भी दरभंगा पुलिस इस तीरे कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस संबंध में हमने दरभंगा के SSP अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र में हुए तीरे हत्याकांड के दो आरोपियों परदेशिया और चंदन सिंह के घर कुर्की जब्त की जा रही है। इस कांड के कई नाम दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों के घर पहले ही इश्तेहार चिपकाया जा चुका था और कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के और नाम इसमें आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो तीन लोगों की हत्या हुई थी उसमें प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दो लोगों को रिमांड पर भी लिया गया, पूछताछ किया गया, और जो लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए थे जिनकी कांड में संलिप्तता पाई गई थी उनके खिलाफ वारंट इश्तेहार लेने के बाद कुर्की माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ। इसमें दो लोगों के विरुद्ध आज कुर्की की जा रही है, परदेशिया और चंदन सिंह। गणपति पूजा का दरभंगा में धूम मचा है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा गणपति पूजा का आयोजन चल रहा है। हर्षोल्लास के वातावरण में गणपति पूजा का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। गणपति पूजा की यह तस्वीर है श्री श्री 108 मंगल मूर्ति गणपति पूजा समिति रामपुर रहमगंज की, जहां पर 2016 से लगातार गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा है और वर्ष 2027 में गणपति पूजा का 8वां वर्ष है। गणपति पूजा आयोजन 19 सितंबर 2023 से प्रारंभ होकर 24 सितंबर को समापन होगा। गणपति पूजा के संबंध में पूजा समिति के सदस्य से हमने बात की, क्या कुछ कहना है उनका आइए आपको सुनाते हैं। तब से लेकर आज तक यह पूजा रामगंज चौक पे होते आया है। गणपति महाराज का जो पूरे देश भर में हो रहा है, वही अपने दरभंगा शहर में भी श्री श्री 108 मंगल मूर्ति गणपति पूजा समिति की ओर से यह आयोजन किया गया है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के 3 वर्ष पूरे होने और कार्य विधि विस्तार मिलने के उपलक्ष्य में स्मरण सह सम्मान समारोह का आयोजन मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो समस्या हमारे सामने एक बार आई है वो दोबारा नहीं आ सकी, क्योंकि हमारी टीम ने उसका शीघ्र निदान किया। किसी व्यक्ति के बारे में उसके बातचीत आदि से लोग पूर्व में ही एक धारणा बना लेते हैं और कार्यविधि पूर्ण होने पर फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं और लोग सहयोग करते हैं तो हमारा आत्मबल और बढ़ता है। जो काम करता है उससे ही लोग अपेक्षा भी करते हैं। मुझे विश्वविद्यालय के सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और सम्मान भी दिया। यह सारी बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने एवं कुलाधिपति द्वारा कार्यविधि विस्तार मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरण सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कार्यविधि विस्तार के लिए कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गत 3 वर्षों में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारी, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कुशल संचालन में आयोजित सम्मान समारोह में स्वागत संबोधन करते हुए कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने कहा कि NAC मूल्यांकन की जरूरत के हिसाब से भी कुलपति का कार्यकाल विस्तार बहुत जरूरी था। इनके इस कार्यविधि में NAC में विश्वविद्यालय को A या A+ ग्रेड मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर पदाधिकारियों, विभागाध्यक्ष, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं द्वारा पाक चादर, पुष्पगुच्छ, माला और स्मृति चिन्ह आदि के द्वारा कुलपति का सम्मान किया गया। समारोह में सीनेट, सिंडिकेट और वित्त समिति के सदस्य, वित्तीय परामर्शी, संघाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं काफी संख्या में उपस्थित थे। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कुलपति के कार्यों की प्रशंसा में मैथिली गीत प्रस्तुत कर उसे फ्रेम में अर्पित किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने किया। मनसा थी कि आप
पढ़ाई होनी चाहिए, शैक्षिक एक ये माहौल होना चाहिए, बाकी सारे सबको आजादी है, सब स्वतंत्रता है। और देखिए पूरा रैंक एंड फाइल फ्रॉम टॉप पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल डाउन टू अ स्टूडेंट एवरीवन वाज कन्विंस्ड यू नो लीडर, कभी कोई समस्या नहीं आई। एक दर्जन से भी अधिक एएसआई और सब इंस्पेक्टर का किया गया प्रोन्नति, बैच लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा इन सभी एएसआई और सब इंस्पेक्टर को बैच लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया। इस संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि काफी समय से ऐसे पुलिस कर्मियों को इंतजार था जिसका कई वर्षों से प्रमोशन रुका हुआ था, आखिरकार वह दिन आ ही गया और कार्यकारी प्रोन्नति कार्ड दिया गया। एसएसपी ने यह भी कहा कि अगर किसी को प्रमोशन मिलता है तो उसका मनोबल भी ऊंचा होता है और एक नए जोश और उमंग के साथ वह काम करता है। और साथ में यह भी कहा गया कि नई जिम्मेदारी इन लोगों को दिया गया है, वह लोग अपने नए दायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से करेंगे। ये जो प्रमोशन लंबित है कई वर्षों से, तो डीजीपी सर की पहल से उसमें बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो लोग हैं एलिजिबल थे प्रमोशन के लिए उनको कार्यकारी पदभार देने के लिए जो अगला पद है उस पर, और उसी क्रम में दरभंगा जिला में कुल 21 इंस्पेक्टर्स प्रमोट हुए हैं और एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स भी प्रमोट हुए हैं। उसमें कुछ एएसआई और एएसआई का हम लोगों ने कुकिंग सेरेमनी कुछ दिन पहले किया था।